गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और बस हम जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, तो आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। और फिर बस चाय पीने के बाद जो अरे हर लेडीज़ की टेंशन होती है, सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है लेना कि मॉर्निंग में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, तो सिर्फ वही देखने के लिए मैंने फ्रिज में देख रही थी कि क्या रखा है। तो एक बार डिसाइड हो जाता है तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है कि फटाफट से फिर बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे को ये बन वगैरह दिखाई दिए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो आज बर्गर बना लेते हैं। और फिर बच्चे भी मुझे बोल रहे थे कि मम्मा मुझे बर्गर खाने हैं, 2-3 दिन पहले ही मुझे बोला था बच्चों ने। और बस यही डिसाइड करके फिर मैं बस 2 मिनट बैठ गई थी, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड गाड़ी बाहर निकाल रहे थे। तो यहाँ पे बस मैं ये देख रही थी, ये आपको ये मोबाइल में मैं टाइम शो कर रही हूँ कि ये हम किस टाइम उठ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है मोबाइल में, और उससे करीब हम 15-20 मिनट पहले उठ गए थे। तो यहाँ पे 4:16 हो रहे हैं, और इससे 15-20 मिनट पहले हम उठ गए थे क्योंकि हम दोनों को जाना है बाहर, तो बस इसीलिए हम जल्दी उठ गए थे। तो अब हम आ गए हैं बाहर, तो आप भी आइए हमारे साथ। तो यहाँ पे ये देखिए सब साइड में यहाँ पे अभी अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है आपको, लाइट नहीं, लाइट तो है लेकिन ये साइड में जो है यहाँ की विजिबिलिटी इतनी दिखाई नहीं दे रही है। और बस हमने गाड़ी में भी मास्क ही लगाया हुआ था, क्योंकि मास्क लगाना आजकल तो कंपलसरी हो ही रहा है, और फिर लगाना भी चाहिए हमें, ये आजकल ये वायरस जो फैल रहा है इसको देखते हुए जरूरी हो गया ये मास्क लगाना। और वैसे ठीक भी रहता है ये, हमें सेफ्टी रूल्स तो फॉलो करने ही चाहिए। और फिर हम यहाँ पे बच्चों को नहीं लाए हैं क्योंकि बच्चे सोए हुए थे इस टाइम, इतनी जल्दी उठते नहीं हैं बच्चे। तो बस हम दोनों ही आए हैं यहाँ पे, और हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये देखने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए। फ्रेंड, हम आ गए हैं अपनी मंजिल पे जहाँ पे हमें आना था। तो यहाँ का व्यू इतना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली है। और यहाँ का अभी तो यहाँ पे अंधेरा हो रहा है क्योंकि अभी वैसे तो मॉर्निंग का ही टाइम है, लेकिन अभी इतना दिन नहीं निकला है, यहाँ पे अंधेरा हो रहा है। और बस अब हमने शुरू कर दिया अपनी वॉक, हम दोनों अब यहाँ पे कर रहे हैं वॉक। और यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे अपने मोबाइल में भी टाइम सेट कर लिया है, तो हमारा मिशन है आज का 10 किलोमीटर हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम सेट कर दिया अपने मोबाइल में, ये आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट अपनी मॉर्निंग वॉक। और वैसे मैं यहाँ पे डेली नहीं आती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे डेली आते हैं, मैं यहाँ पे 2-3 दिन में आ जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं अपनी छत पे ही घूम लेती हूँ मैं अपनी, और वहाँ पे ही एक्सरसाइज वगैरह वॉक वगैरह मैं अपनी छत पे ही करती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं इस वजह से मुझे नहीं आती हूँ मैं, और उनके ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होती हैं, तो इसलिए मुझे इतना नहीं इतना टाइम मिलता है। लेकिन कभी कभी मैं आ जाती हूँ, हफ्ते में एक बार या 2-3 दिन में एक बार अपने हस्बैंड के साथ मैं ज़रूर आ जाती हूँ। और यहाँ पे वैसे अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन अब बच्चों को भी छोड़ के नहीं आ सकती मैं रोज़ रोज़। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल भी चलाते हैं, मतलब वॉक वगैरह करते हैं,
काफ़ी लोग आते हैं इधर मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और बस ये इधर देखिए कितनी ज़्यादा हरियाली है, और मतलब खुद को भी फील होता है कि जैसे हमने कितनी फ्रेश एयर यहाँ पे हमने ले ली है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो चलते चलते अब थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया है, और ये व्यू इतना अच्छा ज़्यादा फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे खेत है बाजरे का, तो यहाँ पे बाजरे की कटिंग करके रखी हुई है यहाँ पे। इधर यहाँ पे पीछे बाजरा लगा हुआ है खेतों में, और अभी इनकी कटिंग नहीं हुई है, और साइड में ये सड़क जा रही है खेत के। इधर हमें चलते चलते करीबन 45 मिनट हो गए हैं। कितने मिनट? 40 मिनट हो गए हैं। और चलते चलते सांस भी इतना फूल रहा था, बहुत ज़्यादा, और पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे। तो बस अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे दिन भी निकलना शुरू हो गया है यहाँ पे, तो हम बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अपने भाग भी रहे थे बीच में, और यहाँ पे देखो शो कर रहे हैं 5 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बस अब 5 किलोमीटर हमारे हो गए, अब हम वापस जा रहे हैं, तो यानी 5 किलोमीटर जाने के और 5 किलोमीटर आने के, तो टोटल 10 किलोमीटर हमारे हमें कंप्लीट करने थे। और यहाँ पे जैसे सुबह का जो सूरज निकलता है, इतना अच्छा व्यू आता है उसका कि बस दिल करता है उसको देखते ही रहो। तो हमारा आज का मिशन कंप्लीट हो गया है 10 किलोमीटर, और पसीने से लथपथ हो गए हम। आज का हमारा मिशन पूरा हो गया है, और जब पसीने आते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और बस अब हम घर के लिए वापस आ रहे हैं, अब दिन भी यहाँ पे निकल ही आया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है कि उस टाइम पे सुबह आए थे उस टाइम पे तो यहाँ पे अंधेरा था, तो यहाँ पे अब दिन निकल ही आया है, तो मैंने सोचा थोड़ा दिखा देते हैं आपको यहाँ का आसपास का व्यू। और यहाँ पे एक बात हो रहा है कि यहाँ पे हरी सब्जियाँ बहुत फ्रेश मिलती हैं, मतलब तो यही खेतों में से तोड़ते हैं और यहीं पर बेच देते हैं, जैसे घिया तोरी पम्पकिन वगैरह। तो जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ पे तो डेली आते हैं और वो लेकर आ जाते हैं, कभी कभी जैसे मैं मंगा लेती हूँ तो वो यहीं से ही लेकर आते हैं ये। और ये आते टाइम नीम भी तोड़ लाए थे दातुन करने के लिए, कि इसकी दातुन करो तो वो अच्छी होती है। मैं नहीं करती हूँ, मुझे कड़वी लगती है, पर मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। तो बस अब घर पहुँच गए हैं, बस पानी वानी पीने के बाद और थोड़ा पसीना सुखाने के बाद, तो बस मैं यहाँ पे लंच के लिए भी सब्जी, जब ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ तो लंच के लिए भी सब्जी वगैरह मैं बना के रख देती हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ये सब्जी काट रही हूँ, इसको हम बोलते हैं रतालू, ये जो बड़ी सी अरवी लगती है देखने में, इसको हम रतालू बोलते हैं। आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पे इसको सब्जी को क्या बोलते हैं। तो बस मैं यहाँ पे इसको कट कर रही थी, क्योंकि यही है सुबह लगता है कि जल्दी जल्दी काम पूरा फिनिश हो जाए, उसके बाद 8:30 बजे मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मुझे उनके पास बैठना ही पड़ता है ज़रूर। बेटी तो बहुत आराम से अटेंड कर लेती है, लेकिन जो बेटा है बहुत ज़्यादा शरारती है, वो फिर उधर उधर भागता है, और कैमरा ऑन करके ही बैठना पड़ता है बच्चों को। तो इसलिए मैं बस फटाफट से ये लंच के लिए भी सब्जी सुबह ही बना के रख देती हूँ, और फिर फुल के मैं फिर जब खाते हैं जब ही गरम गरम बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सब्जी को कट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे प्याज टमाटर कट करके रख लिया है, और बस इसको फटाफट से मैं सब्जी बना रही हूँ, बस वही सिंपल तरीके से बना रही हूँ जैसे बनाते हैं नॉर्मल और सब्जी बनाते हैं। बस बस मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए।
अब हमारी यहाँ पे सब्जी भी बन के तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने ट्राई नहीं करी हो तो आप भी बनाना इसको, बहुत यमी लगती है, बच्चों को भी पसंद आती है। और यहाँ पे मैंने बर्गर बनाने के लिए प्याज टमाटर भी कट करके रख दिए हैं। तो अब सबका ब्रेकफास्ट हो गया था, सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे, अब मैंने अपने लिए भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।